सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देने के फैसले की शदीद मुखालिफत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो शादी की उम्र में इजाफा करने से कबल लड़कियों, ख़वातीन तंजीमों, तालिबात और खातून अवामी नुमाइंदों की राय व मशवरे लें। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की राय हासिल किए बगैर यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर फिरका परस्त एजेंडे के तहत कानून तैयार करने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में आज कांग्रेस के 137वें यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने पार्टी परचम कुशाई के बाद अज़ा मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का कोई खानदान नहीं है, ना उन्हें बीवी है और ना बच्चे। वो औलाद का दुख किस तरह समझ सकते हैं। उन्होंने शादी की उम्र में इजाफे के फैसले से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही मुल्क में सब्ज इनकलाब, सनअती इनकलाब, तमानियत गजा, रोजगार की जमानत, तरक्की की नकी बनी और ये सब कुछ कांग्रेस से मुमकिन हुआ। लेकिन आज के हुक्मरान कांग्रेस की शबिया को खराब करने और उसकी शबिया को दागदार करने के दर पे हैं। कांग्रेस पार्टी चरित्र चूस्ते 1947 ఆగస్టు 17 తారీఖు కంటే ముందు స్వతంత్ర వచ్చిన తర్వాత 15 ఆగస్టు 1945 తర్వాత రెండో శకం మొదటి శకంలో దేశ ప్రజల యొక్క స్వాతంత్ర్యం కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం, స్వయం పాలన కోసం 1885 డిసెంబర్ 28 రోజు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహారాష్ట్రలో ఆవిర్భావం చెందడం జరిగింది. ఈనాటి తరం